विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर बुधवार को जिला अस्पताल परिसर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी की अध्यक्षता में जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुरेंद्र सिंह, जेल विजिटर पंजम राय, डॉक्टर आई बी विश्वकर्मा ने मानसिक रोगों के लक्षण के बारे में लोगों को बताया। आज के बदलते परिवेश में मानसिक रोग किसी को भी हो सकता है। रोग भेदभाव नहीं करता। मानसिक रोग से बचने के लिए माता पिता को अपने बच्चों से लगाव रखना चाहिए। बच्चों की देखभाल समय समय पर करते रहना चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य पर दैनिक जीवन का क्या असर पड़ रहा है, इसका चिकित्सकों से परामर्श लेना चाहिए। इस अवसर पर मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित शाही, रामेंद्र त्रिपाठी, जे पी राव, विष्णु कुमार शर्मा, प्रदीप, संजीव निषाद सहित अस्पताल के अन्य स्टाफ और मरीज मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुरेंद्र सिंह ने कहा, सबका स्वागत करता हूँ। उसके उपलक्ष्य में यह जन जागरूकता कार्यक्रम आज किया जा रहा है। घंटा विलम्ब से चल रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले तो बौद्धिक रोग भी इसमें शामिल है। बुखार तो सब लोग जानते हैं, लेकिन मानसिक बीमारियां क्या क्या होती हैं, इस जानकारी का उनको व्यापक अभाव है। इस क्रम में कंपेनिंग की जा रही है, बहुत व्यापक स्तर से जनपद से लगाए ग्रामीण स्तर तक हम लोग कंपेनिंग कर रहे हैं। 65% पूरे आज विश्व स्तर पर हमारा बढ़ रहा है। भारत में भी इसमें युवाओं का ज़्यादा है, 35-40% युवाओं में फैल रहा है। और युवाओं में अगर जो डिस्क्रिप्शन किया जाए मेल फीमेल में, तो फीमेल में ज़्यादा बढ़ रहा है। और मीटिंग करके हम लोग जागरूक करते हैं ताकि इसके प्रति भी हमारे बैंक में कैंप लगा के भी वहाँ पर जाए, इसीलिए इसको शुरुआती तौर पर किया जाए तो हमारे उसके में ये सारी व्यवस्था की गई है। और मैं सभी वो सरकारी अस्पतालों में हमेशा उपलब्ध रहते हैं, उनको किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होनी चाहिए, वो आकर अपनी दिखाएं। लेकिन अक्सर जो मानसिक रोगी होता है वो अपने आप को मानता है मैं मानसिक रोगी, जैसे अगर उनको नींद नहीं आता है या बेचैनी है या तरह तरह की हरकतें करते हैं उसके परिवार। अगर मानसिक रूप से आप स्वस्थ ना हो इस सब का कोई अर्थ नहीं देता है। लेकिन WHO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जागरूकता व्यक्तियों में करने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से ये सेंसिटाइज करना है लोगों को कि वे जाने कि उनके बच्चे, उनके जो सीनियर लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो माताएं बहने घर में हैं, अगर उनके अंदर मानसिक रोग से संबंधित कोई भी लक्षण पाया जा रहा है उसको डिटेक्ट कर सके, उसको पहचान सके। जैसा कि पूरा हमारे जो बोलने वाले थे उन्होंने बताया कि ये बैनर लगा हुआ है, बैनर में बहुत सारे लक्षण लिखे हुए हैं, ठीक है। ये एक लक्षण होने से मात्र से कोई मानसिक रोगी नहीं हो सकता है। अगर कम से कम इनमें से 5 लक्षण किसी व्यक्ति में पाए जाते हो तो अवश्य रूप से उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये मैंने कई साइंटिस्ट से इसको समझा है और मैंने उनसे बात की तो चर्चा में आया कि जो भी लक्षण किसी भी साइंटिस्ट डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो वहाँ पर एक लिस्ट रख देती है। अगर उनमें से 5 लक्षण हैं तो आदमी को साइकेट्रिक की जरूरत है। अब यहाँ पर एक आध लक्षण से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आम हो सकता है, ये आम बात हो सकती है, एक आध नींद आना, चक्कर रहना, बेहोश रहना, एक आध लक्षण से कुछ हो जाएगा। अगर वो बार बार इसे कह रिकरेंट हो रहा है उसकी वजह से और भी नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसी स्थिति में आपको मानसिक चिकित्सक से मिलने की आवश्यकता है। यहाँ हमें मनन करने की जरूरत है कि आखिर कितना स्ट्रेस बढ़ गया है जिसके कारण मानसिक रोगी बढ़ रहे हैं। जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने यहाँ कहा कि जब स्कूल में बच्चे 14 साल की उम्र में पहुँचते हैं उनमें पढ़ाई कर दो, उसके साथ जैसे उनके पेरेंट्स वर्किंग हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर हो जाती है, एक अफसर का या एक बच्चे का 20 के साथ ट्रांसफर होता है। साइंटिस्ट या जो इसके डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि 14 वर्ष से शुरू होता है, क्योंकि उसके बाद ही आदमी असल जिंदगी में प्रवेश करता है, क्योंकि उससे साइकोलॉजिकल जो फिर शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं उससे भी कुछ हार्मोनल डिफेक्ट हो सकते हैं।
साथ ही ये 14 से 29 साल की उम्र के बीच में इस तरह के रोगियों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। और इसके लिए हमें जो है देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन जो हम ला सकते हैं उसे करेंगे, क्योंकि धैर्य तो आज के समय में बहुत बड़ी चीज हो गई है। धैर्य किसी के पास रह नहीं गया है, पैसे जो है किसी में नहीं है, हर एक आदमी उद्वेलित है, हर एक आदमी अपने अधिकार के लिए लड़ रहा, कर्तव्य की बात ही करना बेमानी हो गया है। साथ ही हम लोग तो केवल डॉक्टर्स को साथ में सेंसिटाइज करने का भी काम करते हैं कि डॉक्टर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। जिस दिन से कोई भी पेशेंट किसी साइकेट्रिक के यहाँ आता है, उस दिन से उसका ह्यूमन राइट का जो भी वायलेशन है अब डॉक्टर साहब पर निर्भर करता है। वो क्या करेंगे, उसको कितना फ्रीडम देंगे। अगर मेंटल हॉस्पिटल में वो भर्ती हो गया, वो एक कैदी तरह हो गया, अब वो डॉक्टर साहब की इच्छा पर रहेगा, वो उसके ना चाहते हो भी एक गार्जियन बन जाते हैं। अब वो जो कहेंगे वही करेगा, वही उसकी दिनचर्या निर्धारित करेंगे। अब डॉक्टर्स जो है उनकी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जब ये मरीज ठीक हो जाएगा वो अपने परिजन के यहाँ जाना चाहता है, कोई परिजन ले जाना नहीं चाहता, फिर वो चाहे न चाहे अनचाहे तरीके से उसके फिर से गार्जियन बन जाते हैं, फिर उसकी उसको देख रेख करनी पड़ती है। तो डॉक्टर्स का बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है मेंटल हॉस्पिटल्स में। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताई, एक अच्छी चर्चा हुई और सुनने वालों की संख्या जस्ट बोलने वालों से 2 या 3 गुनी ही है, इसीलिए ये पूरे पखवारे भर इस बारे में चर्चा करने के लिए, इस कार्यक्रम को दूर दूर तक लोगों को बताने के लिए, जागरूकता के लिए पूरा एक फॉर्टनाइट, पूरा एक 15 दिन का एक हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया है। हमारे चिकित्सकों की, हमारे काउंसलर्स की बात पहुंचेगी, उतना ही लोगों में ये इस बात के लिए जागरूकता आएगी कि ये रोग आखिर है क्या। मानसिक रोग जब बहुत एक्सट्रीम पे, बहुत ऊपर तक पहुंच जाता है, तब आप अपनी भाषा में गांव में उसको पागल कहने लगते हैं। जबकि ये रोग शुरुआत बहुत सिंपल किसी लक्षण से होती है। सर ने बहुत सही कहा कि अगर आपको नींद नहीं आई आज और कल और परसों या 5 दिन या 1 हफ्ता, तो आप मानसिक रोगी हो गए हैं, ऐसा नहीं है। आपको 10 दिन से भूख कम लग रही है, आप मानसिक रोगी हो गए हैं, ऐसा नहीं है। आप पिछले 1 हफ्ते से बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, बात बात पे गुस्सा हो जा रहे हैं, घर वालों से नहीं पट रही है, सबको डांट डपट रहे हैं, आप मानसिक रोगी हो गए हैं, ऐसा नहीं। लेकिन अगर इस तरह का व्यवहार आपका प्रतिदिन के लिए, महीनों के लिए हो जाए, तो सोचने की जरूरत है कि कहीं मुझमें कोई अवसाद तो नहीं डेवलप हो रहा, कहीं मुझमें कोई मानसिक रोग इस तरह जड़ तो नहीं कर रहा। बड़ा करा जाए, सर कोई मैसेज भर जाए। आज विश्व मानसिक दिवस के उपलक्ष्य में ये गोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें जनमानस ने, पत्रकार बंधुओं ने, जैस साहब ने प्रतिभाग किया। मैं मैसेज देना चाहूँगा जनता को कि मानसिक रोग के इलाज हेतु हमारे सरकारी चिकित्सालयों में व्यवस्था कर दी गई है, और प्रचार प्रसार के लिए कि हम कैसे पहचाने कि कोई व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित है कि नहीं है, क्यों होता है ऐसा, क्या कारण है, क्या लक्षण हैं, इसके बारे में जगह जगह स्कूल में और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दिन निर्धारित हैं, उस दिन हमारी टीमें जाके वहाँ पर इसके बारे में प्रचार प्रसार करती हैं। परिवार के लोग, दोस्त यार या स्कूल के टीचर्स, ये सारे लोग
उन लक्षणों के माध्यम से पहचान सकते हैं कि अमुक बच्चे में, अमुक व्यक्ति में या अमुक महिला में क्या कोई मानसिक अवसाद की स्थिति आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मेरी उम्मीद है कि लोग अगर अपने दिनचर्या, अपने खान पान और अपने विचार को अच्छा रखेंगे तो इस अवसाद से ग्रसित नहीं होंगे। वर्कलोड सब पे है लेकिन फिर भी इससे आप बच सकते हैं। सबसे दुखद बात इसमें यह है कि जो हमारे सर्वेक्षण में आ रहा है वो ये आता है जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इसमें ज़्यादा प्रभावित हो रही है। ये हमारी चिंता का विषय है क्योंकि वो भारत के भविष्य हैं और वो आगे की पीढ़ी है जो हमारे देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाएगी। तो उनके प्रचार प्रसार में हमारी टीम लगी हुई है कि जो स्कूलों में जाके पढ़ने वाले स्टूडेंट के सारी चीज़ें बताती है और हमारी जो मन कक्ष स्थापित है उसमें अगर किसी को कोई राय लेनी है, कोई सलाह लेनी है या किसी को लगता है कि हमें बड़ा दुख हो रहा है, हमको ये हम सेलेक्ट नहीं हो पाए, हमें बहुत दुख हो रहा है, तो ये लोग काउंसलिंग करते हैं और बहुत सारे लोग फिर वो समझदारी से काम लेते हैं, समझ जाते हैं और इस अवसाद में नहीं ग्रसित होते। इसका सबसे बड़ा उपाय है कि जागरूक होना। सबसे पहले अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं, रोगों के विषय में जानकारी नहीं होगी कि किस तरह से आप जानें कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तब तक उसे आप किसी साइकेट्रिक की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। तो जागरूक होना सबसे पहले ज़रूरत है और इसका प्रचार प्रसार होना ज़रूरी है और जो भी लक्षण डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं उनको मीडिया के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए, यही मेरा संदेश है।